बहुत मजा आया, सवेरे सवेरे एकदम माइंड फ्रेश हो गया मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बजे सुबह के करीबन 9, तो देखो कितने दिन बाद फिर से बारिश का मौसम हो चुका है। पता नहीं बारिश आएगी कि नहीं, अभी तो कितने दिनों से मस्त अच्छी सी धूप निकल रही थी, आज देखो बारिश का मौसम हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर, वहाँ मस्त महादेव का छोटा सा मंदिर है, तो मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, जो अप्रोक्स हमारे घर से 4 से 5 किलोमीटर होता है। तो लेट्स गो। तो फाइनली हम मंदिर पर पहुंच गए। देखिए हम पीछे देख सकते हैं, ये पूरा मंदिर ग्रीनरी से भरा हुआ है, मस्त मस्त ग्रीन पौधे लगाए हुए हैं, प्लांट्स हैं अच्छे अच्छे। अंदर अंदर जाते हैं और दर्शन करते हैं। देखो यहाँ पर कैसे अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाए हैं, बहुत बढ़िया से ग्रीन ग्रीन पूरा, कितने सारे है देखो, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर ये प्लांट से इसको पानी दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही ग्रीनरी बनी रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक कुंड है, पीछे मंदिर के पीछे छोटा सा कुंड है। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे समुद्र किनारे के पास बहुत बड़ी शिवलिंग बनाई गई है, देखो क्या बहुत खास लग रही है, बहुत बढ़िया। ये जो सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है जो मैंने आपको दिखाया, दर्शन कराया, उसके पीछे ही ठीक समुद्र है, तो पूरा उसकी लहरें आती है जो समुद्र की, उसकी आवाज़ यहाँ पर बैठे हैं मंदिर के पास, तो बहुत तगड़ा मज़ा आ जाता है। मतलब कुछ अनोखी ही शांति मिलती है, यहाँ की वाइब भी कुछ अलग मिलती है पीछे ही समुद्र है तो। और ये समुद्र के बीच में एक शिवलिंग की भी स्थापना की गई है, बहुत बड़ी शिवलिंग है, जब बारिश होती है तो वो पीछे यहाँ पर खेत है वहाँ से पूरा पानी आता है यहाँ, तो यहाँ से पूरा पानी समुद्र में जाता है, तो तब तो पानी कितना पूरे फोर्स से जाता है, तब शिवलिंग को देखो ना, बहुत ही देखने को मजा आ जाता है। अभी तो बहुत पानी नहीं है, देखो मैं अभी आपको ये शिवलिंग दिखाता हूँ पूरी, जो यहाँ पर बनाई गई है, जो आपको पीछे दिख रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं जो आपको बता रहा था पीछे, ये पूरा ब्रिज है, यहाँ से व्हीकल जाते हैं, ये हाईवे है वेरावलपुर बंदरवाया, ये हाईवे है, पीछे पूरे सब खेत है, ये घेर विस्तार के पूरे खेत है, तो वहाँ पूरा पानी भर जाता है, तो वहाँ पर यहाँ पर जो मधुबंदी नदी है वहाँ से पूरा बह के सीधा यहाँ से जाता है समुद्र में, तो कितना पानी जाता है, तब वो शिवलिंग का जो व्यू है वो बहुत ही बढ़िया आता है।
भाई तगड़ा मजा आता है जब आप माधवपुर से निकलते हो, पोरबंदर जाते हो। माधवपुर से निकलते ही 3-4 किलोमीटर ही दूर है, आप यहाँ से निकले तो जरूर दर्शन करने आएगा। यहाँ पर बहुत ही शांत माहौल है, आप शांति लेना चाहते हैं तो इस जगह पर जरूर आइए, महादेव के दर्शन कीजिए, उससे आशीर्वाद लीजिए महादेव से। तो चलिए, मैंने तो दर्शन कर लिए, बहुत मजा आया। सवेरे सवेरे एकदम माइंड फ्रेश हो गया मेरा, तो बहुत ही मजा आ गया। तो चलो अब मैं तो जाता हूँ घर की ओर, खाने का मन नहीं हुआ। बहुत मस्त जगह है ये, बहुत ही मस्त जगह है। तो चलिए अब मैं जाता हूँ घर। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।